हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कॉनकैट, कॉनकैटिनेट और वैकल्पिक जो फॉर्मूला है टेक्स्ट को ज्वाइन कराने का, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इंडिया इज माय कंट्री। तो अब इसको ज्वाइन कराना, तो एक तो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला होता है, आपको 2019 वाले वर्जन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आएंगे तो ये देखिए टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला आपको मिल जाता है और ये आप ले लीजिए। और फिर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डिलिमिटर, तो डिलिमिटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल इंटेड कोट्स लगाया, एक स्पेस दे दिया, कॉमा दे दिया, तो ये डिलिमिटर तो हो गया। बाकी यहाँ पे ट्रू कर लीजिए और फिर कॉमा दीजिए और फिर टेक्स्ट लेते जाइए आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने टेक्स्ट को आपको ज्वाइन कराना है, ये पहला हमारा टेक्स्ट है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा देंगे, कॉमा दे दिया, फिर यहाँ पे दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर तीसरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर कॉमा देंगे और फिर यहाँ पर इसको लेकर के और फिर इसको बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इंडिया इज माय कंट्री एक ही कॉलम में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है कॉनकैटिनेट का। तो कॉनकैटिनेट कैसे काम करेगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेके मैं आ गया। कॉनकैटिनेट में दिक्कत क्या है कि इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ कॉनकैटिनेट, तो ये कॉनकैटिनेट की जगह ये कॉनकैट आ गया है, हमें कॉनकैटिनेट लगाना है तो ये कॉनकैटिनेट पर आ गए हम। अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉमा दे दे करके आपको लगाना है, आप डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से नहीं चूज कर सकते। ये देखिए ये इस तरह से अगर आप चूज करेंगे तो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके का देगा, आप देख सकते हैं ये केवल इंडिया लिखा हुआ आ रहा है वहां पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कॉनकैटिनेट अगर यूज करना है, भले ये B2 से B5 तक सेलेक्ट हुआ है लेकिन केवल एक ही आ रहा है, तो अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है तो कैसे यूज करना है। तो यहाँ B2 लिख दिया, कॉमा दे दिया, फिर इस लिंक को सेलेक्ट करके कॉमा दे दीजिए, फिर माई को सेलेक्ट कीजिए फिर कॉमा दे दीजिए, फिर कंट्री को सेलेक्ट कीजिए कॉमा दे दीजिए और अब ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपका पूरा आ जाएगा इंडिया इज माय कंट्री। गैप चाहते हैं तो बीच बीच में गैप के लिए आपको क्या करना है, गैप के लिए आपको डबल इंटेड कोट्स का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लगा दिया डबल इंटेड कोट्स, फिर एक बार गैप दे दिया, फिर डबल इंटेड कोट्स, ठीक है। ध्यान रहे कि इसके बाद एक कॉमा रहेगा, तो ये कॉमा दे दिया हमने। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इंडिया और इसके बीच में गैप आ गया है, इस तरह से करके आप गैप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉनकैट फॉर्मूले की, तो यहाँ पर लगाता हूँ कॉनकैट, तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग गो है CAT, तो कॉनकैट ऊपर ही आ रहा है, इसको लगा लेते हैं। ये आपको न्यू वर्जन में मिलेगा, हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा, पुराने वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। एक ही बार में पूरा सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो इंडिया इज माय कंट्री एक ही बार में आ जाता है। गैप देना चाहते हैं तो बीच बीच में आप गैप भी दे सकते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉनकैट में और कॉनकैटिनेट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो वैकल्पिक फॉर्मूला है उसके बारे में, ठीक है। तो वैकल्पिक फॉर्मूला हमारा क्या है, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, इंडिया को सेलेक्ट कीजिए, एंड लगाइए, एंड 7 नंबर अल्फाबेटिक बटन पर आपको एंड मिल जाता है। उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर एंड लगाइए, फिर यहाँ पर माई को सेलेक्ट कीजिए, फिर एंड लगाइए इस तरीके से कुछ, ठीक है। फिर कंट्री को सेलेक्ट कीजिए, फिर एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये इंडिया इज माई कंट्री इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप गैप चाहते हैं तो आपको गैप कैसे देना है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले F2 करके फॉर्मूले को एडिट कर लेता हूँ। अब देखिए गैप कैसे देना है, यहाँ पर आ जाइए एंड के ठीक पहले, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड लिख लेना है, एंड फिर से एक बार और एंड लिखिए, और यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर डबल इंटेड कोट्स को ओपन करना है, फिर यहाँ पर डबल इंटेड कोट्स को क्लोज करना है इस तरीके से, और आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ देख सकते हैं गैप आ गया। इसी तरह से आगे भी आप गैप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा फॉर्मूले का एक मैंने आपको सेट बताया है, ये आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अच्छे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।